कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बचाव के बंदोबस्त पुख्ता किए जा रहे हैं। बाहर से कोरोना संक्रमित लोग तिब्बत सीमा क्षेत्र में प्रवेश न कर जाएं, इसको लेकर प्रशासन ने टीम का गठन कर गहराई से रामपुर में स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था की है। रामपुर बुशहर में प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी बसों को जांचा जा रहा है। कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बचाव के बंदोबस्त पुख्ता किए जा रहे हैं। बाहर से कोरोना संक्रमित लोग तिब्बत सीमांत क्षेत्र में प्रवेश न कर जाएं, इसे लेकर प्रशासन ने टीम का गठन कर गहराई से रामपुर में स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था की है। रामपुर बुशहर में प्रदेश के बाहर से आने वाली सभी बसों को जांचा जा रहा है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ पूरा ब्यौरा, पता और फोन नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है, ताकि किन्नौर, आनी व अन्य दूर दराज इलाकों को जाने वाली बसों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश न कर सके। इसके अलावा रामपुर बस अड्डे पर बसों को धोने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। अड्डे में सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग अब लाहौल स्पीति जिला के स्पीति उपमंडल के लोगों की तरफ भारी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग भी उठाने लगे हैं। स्पीति के लोगों द्वारा किन्नौर के आखिरी गाँव समोदा से आगे नेपालियों और पर्यटकों की आवाजाही हालात सामान्य होते तक पूर्ण बंद कर दी गई है। लोगों की मांग है कि मास्क की कमी को देखते हुए फ्री मास्क वितरित किए जाएं। रामपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हरीश चंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां करवाई गई हैं, जो सरकार की ओर से सकारात्मक पहल है, लेकिन परमाणु में भी बाहर से आने वाली गाड़ियों की पुख्ता जाँच होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर जांच की व्यवस्था हो, ताकि नेपाल से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर हो सके। उन्होंने बताया कि स्पीति के लोगों ने एक बैठक कर बाहर से आने वाले, चाहे नेपाली हो या टूरिस्ट, समदो नामक स्थान से आगे जाने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि उन्हें मजदूरों की काफी जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में भी इसी तरह भारी लोगों पर पाबंदी हो। उन्होंने मास्क की कमी का हवाला देते हुए बताया कि सरकार की ओर से फ्री वितरित किए जाए। एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद रामपुर बुशहर, जैसे कि सभी भली भांति जानते हैं, आज पूरा विश्व ये जो कोरोना वायरस है इसकी दहशत से बहुत मायूस हैं। जिस तरह से हम, खास करिए हमारा हिमाचल प्रदेश, ये रामपुर बुशहर, बगल में हमारे स्पीति के लोगों ने जो है जागरूक हो गए, उन्होंने इकट्ठे एक बैठक की है कि भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे, जो का बाहर का टूरिस्ट आ रहा है या कोई नेपाली आ रहा है, उनको बिल्कुल अंकुश चेक कर रहे हैं कि वो उसे आगे ना घुसे, ताकि हो सकता है नेपाल से वायरस आए, जो टूरिस्ट है वहाँ से वायरस आए। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक गुरबचन सिंह ने बताया कि बस अड्डे पर सभी बसों को धोने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाली बसों को चिन्हित किया है, उनमें आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, जिनमें रिकांगपियो, रामपुर व आने जाने वाली बसें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रामपुर के चौधरी अड्डा में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस के सहयोग से बाहरी राज्यों से आने वाली चिन्हित बसों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। हमने 15 तारीख से ही, 15 मार्च से ही ये अपना अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी है। इसका सुझाव और इससे बचाव कैसे बचें उसके बारे में जानकारी हर 15 मिनट के बाद अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जो हमारी गाड़ियां जो इंटरस्टेट से आती हैं, बाहर अदर स्टेट से आती हैं, उनको प्रॉपर पहले वर्कशॉप में धोया जाता है, फिर सेंसिटाइज किया जाता है और उसके बाद उनको रूटों पर भेजा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हर गाड़ियां, चाहे वो प्राइवेट है चाहे एचआरटीसी गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी ममता ने बताया कि लंबे रूट की बसें यहां आ रही हैं, उन्हें यहां जांच कर रहे हैं। जो लोग राज्य के बाहर से आ रहे हैं उन सबको जांचा जा रहा है। बाहर राज्यों से आने वाले यात्रियों का नाम पता नोट कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ सिम्टम दिखे तो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वहां ले जाया जाएगा। अभी तक कोरोना के संक्रमण या इस तरह के लक्षण वाला कोई मरीज नहीं मिला है। जी मीनाक्षी मेहता, बसों की जांच हो रही है कोरोना को लेकर, किस तरह से जांच कर रहे हैं? सर ये जो लॉन्ग की बसेस आ रही हैं एचआरटीसी की, उनकी जांच हम कर रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि वो अदर स्टेट से आए हैं या कुछ बाहर की कंट्री से आए, तो उनसे उनकी जानकारी ले रहे हैं। किसी को कोई साइन एंड सिम्टम्स सुने कोरोना वायरस के, तो उनकी जांच कर रहे हैं। बाहर से पेशेंट आ रहे हैं जो कोरोना वायरस पैसेंजर जो भी हैं,
उनकी जांच के साथ साथ रिकॉर्ड भी रखे हैं। हाँ जी, इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है, इनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का है इनका एड्रेस है, ये सारा